साइड ए। ओम शांति। 1972 का प्रातः क्लास। ओम शांति। द मॉर्निंग क्लास ऑफ 1972। छह नंबर के रजिस्टर में 383 पेज। पेज नंबर 383 इन द रजिस्टर नंबर 6। रिकॉर्ड है छोड़ विदे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए। द रिकॉर्ड प्लेड इज छोड़ विदे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। लीव द थ्रोन ऑफ द स्काई एट लास्ट, कम ऑन टू दिस अर्थ। याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा को। यू रिमेम्बर योर मोस्ट बिलेवेड सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल। कि फिर से आओ आकाश सिंहासन छोड़। कम अगेन, लीव द थ्रोन ऑफ द स्काई। मतलब? मीनिंग? आकाश में कोई सिंहासन रखा है क्या? इज देर एनी थ्रोन केप्ट इन द स्काई? Someone said something. Yes. Niche stage se aao. From the high stage, come where? Aao. Sakar Shakti par niche stage mein aa jao. Come to a lower stage on the corporeal world. Aur abhi baap dada kya keh rahe hain? And what is baap dada saying now? बाप दादा कह रहे हैं तुम अपनी व्यक्त स्टेज साकारी स्टेज को छोड़ करके आकारी ऊंची स्टेज में आ जाओ। बाप दादा इज सेइंग लीव योर व्यक्त स्टेज कॉर्पोरियल स्टेज एंड कम टू द सटल हाई स्टेज। और बच्चे अभी तक क्या गीत गाते हैं? एंड व्हाट सॉन्ग हैव द चिल्ड्रन बीन सिंगिंग टिल नाउ? छोड़ विदे आकाश सिंहासन। लीव द थ्रोन ऑफ द स्काई एट लास्ट। अरे छोड़ उधर, इस धरती पर आ जा रहे। अरे जस्ट लीव इट, कम डाउन टू दिस वर्ल्ड। फिर से आओ। कम अगेन। क्या? व्हाट? क्या कहते हैं? फिर से आओ। व्हाट डू दे से? कम अगेन। मैंने पहले आए थे और अब? इट मीन्स दैट ही केम बिफोर एंड नाउ? फिर से आओ, अभी पेट नहीं भरा। कम अगेन, दे हैव नॉट बिकम सेटिस्फाइड येट। क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है। बिकॉज दे हैव कम अंडर द शेडो ऑफ माया। क्यों कहते हैं? फिर से आओ, ये क्यों कहते हैं? व्हाई डू दे से कम अगेन? क्योंकि क्योंकि माया का परछावा पड़ गया है, इसलिए भगवान को भी कहते हैं कि तुम नीची स्टेज में, नीची स्टेज में इस धरती पर आ जाओ। इट इज बिकॉज दे हैव कम अंडर द शेडो ऑफ माया, सो दे से टू गॉड हिमसेल्फ कम इन टू अ लोअर स्टेज इन द वर्ल्ड। अथवा यूं कहें रावण राज्य ऊपर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट हैज बिकम द किंगडम ऑफ रावण। अगर राम राज्य होता, इफ इट वॉज द किंगडम ऑफ राम, तो ये नहीं कहते कि नीचे स्टेज में आ जाओ, नीचे आ जाओ। दे वुड नॉट हैव सेड कम टू अ लोअर स्टेज, कम डाउन। क्योंकि राम राज्य में तो सब ऊंची स्टेज में ही होते हैं, आत्मिक स्थिति में ही होते हैं, देवान तो किसी को होता ही नहीं। बिकॉज इन द किंगडम ऑफ राम एवरी वन इज सर्टेनली इन द हाई स्टेज ओनली, इन द सोल कॉन्शियस स्टेज ओनली, नो वन हैज द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी एट ऑल। अभी रावण राज्य में तभी दुखी ही दुखी हो पड़े। नाउ इन द किंगडम ऑफ रावण एवरी वन हैज बिकम सोरोफुल एंड ओनली सोरोफुल। कहते भी हम भ्रष्टाचारी पतित हैं। दे डू से वी आर करप्ट एंड इम्प्योर। तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। सो द फादर सेज आई कम इन द कॉन्फ्लुएंस एज ऑफ एवरी कल्पा साइकिल। हर युग में नहीं आता हूँ। आई डोंट कम इन एवरी एज। हर समय नहीं आता हूँ। आई डोंट कम एवरी टाइम। मैं सिर्फ कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। आई कम ओनली इन द कॉन्फ्लुएंस एज ऑफ एवरी साइकिल। 5000 वर्ष पहले आया था और अब फिर से आया हुआ हूँ। आई केम 5000 ईयर्स अगो एंड नाउ आई हैव कम अगेन। अब फिर से कल्प के संगम में आया हुआ हूँ। आई हैव कम अगेन इन द कॉन्फ्लुएंस एज ऑफ द साइकिल। बाप आकर के आहत देते। द फादर कम्स एंड कंसोल्स द चिल्ड्रेन। धैर्य देते। बच्चे तुम बेफिक्र रहो। ही गिव्स पेशेंस, चिल्ड्रेन रिमेन केयर फ्री। ये तो मेरा पार्ट है क्या? दिस इज इंडीड माई रोल। वॉट? तुम बेफिक्र रहो। यू रिमेन केयर फ्री।
दुखी न हो, नीचे आ जा। डोंट बी सैड एंड से कम डाउन, देह अभिमान में आ जा। कम इन टू बॉडी कॉन्शियसनेस, कौन हु कौन हु भगवान भी कभी देह अभिमान में आता है क्या? डज गॉड एवर बिकम बॉडी कॉन्शियस? फिर देन फिर भगवान से क्यों कहा छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, उस चीज को छोड़ दे? देन वाई डिड दे से टू गॉड लीव द थ्रोन ऑफ द स्काई एट लास्ट लीव द हाई स्टेज? स्टूडेंट्स आर सेइंग समथिंग। फिर कौन आता है? सो हु कम्स? अरे अ स्टूडेंट सेड समथिंग। आकाश आता है। डज द स्काई कम? आकार में प्रवेश करते हैं। यस ही एंटर्स दिस कॉर्पोरियल वन, क्योंकि ये पतित दुनिया है। बिकॉज दिस इज एन इम्प्योर वर्ल्ड, पतित दुनिया में सब पतित है। एवरी वन इज इम्प्योर इन द इम्प्योर वर्ल्ड, ए टू जेड, एवरी वन फ्रॉम ए टू जेड। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी ऐसी नहीं है जो पावन देवता बनी। देयर इजंट इवन वन आउट ऑफ द 5 बिलियन ह्यूमन सोल्स Who may have become a pure deity? तो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए। So leave the throne of the sky at last and come on to this earth. धरती माने मिट्टी। Earth means soil. देह अभिमानी की मिट्टी। The soil of body consciousness. तो बच्चे बुलाते क्यों हैं? कारण क्या बताया? So why do the children invoke him? What was the reason mentioned? अभी बताएं। It was mentioned just now. माया नहीं, क्योंकि माया का परछावा पड़ गया है। It is because Maya has cast her shadow. इसलिए बाप को भी नीचे बुलाते। That is why they also call the father down. हालांकि बाप कोई नीचे स्टेज में आता नहीं है। However, the father doesn't come in the lower stage. वो तो सदैव ऊंचा ही ऊंचा है। He is always in a high stage indeed. तो बाप धैर्य देते, तुम बेफिक्र हो। So the father gives patience, remain carefree. क्या फिक्र मत करो। What? Don't worry. किस बात की? About what? किस बात की? About what? कि पता नहीं बाबा नीचे स्टेज में आएगा कि नहीं आएगा। That no one knows whether Baba will come down into the low stage or not. बाबा नीचे सृष्टि पर साकार सृष्टि पर साकार बनने आएगा या नहीं आएगा? वेदर बाबा विल कम डाउन टू द वर्ल्ड टू बिकम कॉर्पोरियल इन द कॉर्पोरियल वर्ल्ड और नॉट? बाबा आदत देते हैं, तुम बेफिक्र रहो। द फादर कंसोल्स द चिल्ड्रन, रिमेन केयर फ्री। ये तो मेरा पार्ट ही है। दिस इज इंडीड माय रोल। किसका? हुस? इस साकार सृष्टि पर आना और साकारी स्टेज में रह करके पार्ट बजाना, यह तो मेरा पार्ट ही है। इट इज इंडीड माई वेरी रोल टू कम टू दिस कॉर्पोरियल वर्ल्ड एंड प्ले अ रोल वाइल बीइंग इन द कॉर्पोरियल स्टेज। क्या पार्ट? वॉट रोल? मुरलियों में क्या बताया पार्ट? वॉट रोल हैज बीन मेंशनड इन द मुरलीज? पतितों को पावन बनाना। द रोल ऑफ प्यूरिफाइंग द इम्प्योर वंस। पतित पावन कैसे बने? How did the impure ones become pure? पावन देवताएं कैसे पतित बने? How did the pure deities become impure? Someone must have said something. याद तो बाद में किया जाता है। As regards remembrance, it is done later. याद कब किया जाता है? When is someone remembered? जब किसी से कोई प्राप्ति हुई हो तो वो याद पड़ता है। When we have achieved something from someone, He is remembered. और प्राप्ति ही नहीं हुई होगी? And if nothing was achieved at all? रसगुल्ला पहले खाया होगा तो याद पड़ेगा ना? If we have eaten a rasgulla, a kind of Indian sweet, previously, we will remember it, won't we? और खाया ही नहीं होगा तो याद कहाँ से पड़ेगा? But how will we remember it if we haven't eaten it at all? तो परमात्मा से जरूर सारी दुनिया को ऐसी कोई प्राप्ति हुई है जो और किसी से नहीं हुई। सो सर्टनली द एंटायर वर्ल्ड हैज रिसीव्ड सच अ रिवॉर्ड फ्रॉम द सुप्रीम सोल विच दे डिडंट रिसीव फ्रॉम एनीवन एल्स। वो अनुभूति और किसी से नहीं हो सकती। नो वन एल्स कैन ब्रिंग अबाउट दैट एक्सपीरियंस।
इसलिए सब परमात्मा को याद करते हैं। दैट इज वाई एवरीवन रिमेम्बर्स द सुप्रीम सोल। तो ये तो मेरा पार्ट ही है। सो दिस इज सर्टेनली माय रोल। बच्चे कहते हैं बाबा आओ। द चिल्ड्रन से बाबा कम। आकर के फिर से राजयोग सिखाओ। कम एंड टीच अस राजयोग अगेन। फिर से क्यों लगाया? व्हाई वॉज द वर्ड अगेन अप्लाइड? धर्म पहले भी आया है और उससे पूर्ति नहीं हुई। सर्टेनली ही केम प्रीवियसली टू एंड दे वरंट फुलफिल्ड विथ हिम। इसलिए तो बाबा ने मुरलियम बोला। दैट इज वाई बाबा सेड इन द मुरलीस। 50 साल हो गए और फिर भी जहाँ के तहाँ, जहाँ के तहाँ। 50 years have passed and still you are where you were. तो इसका मतलब बच्चे अभी निराकारी स्टेज में स्थिर नहीं हो पाए। इट मीन्स दैट चिल्ड्रन हैवंट बीन एबल टू बिकम स्टेबल इन द इनकॉर्पोरियल स्टेज अप अंटिल नाउ। तो फिर से राजयोग सिखाओ, पतित दुनिया को पावन बनाओ। सो टीच अस राजयोग अगेन एंड प्यूरिफाई द इम्प्योर वर्ल्ड। इस समय सभी नास्तिक। एट दिस टाइम एवरीवन इज एथिस्ट। ऑर्फन नालायक, अनवर्दी, निर्धन के हैं। एंड इज विदाउट अ मास्टर। ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनका माँ बाप न हो। द वंस हु डोंट हैव देयर मदर एंड फादर आर कॉल्ड ऑर्फन्स। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। दे कीप फाइटिंग एंड क्वारलिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स। ऑर्फन की पहचान? हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज ऑर्फन्स? आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं उनको ऑर्फन कहा जाता है। The ones who keep fighting and quarreling amongst themselves are called orphans. और अगर बाबा के बच्चे जो बने हो वो भी आपस में लड़ते झगड़ते रहे हो तो? And what if even the ones who have become Baba's children keep fighting and quarreling amongst themselves? तो उनको क्या कहेंगे? What will they be called? जरूर उन्होंने बाप को अभी पहचाना नहीं है। Certainly they haven't recognized the father yet. अगर पहचान लें तो लड़ना झगड़ना भूल जाए। इफ दे रिकॉग्नाइज द फादर दे विल फॉरगेट टू फाइट एंड क्वारल। बाप को पहचाना नहीं है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनको आत्मा कहा जाता है। सो द वंस हु हैवंट रिकॉग्नाइज द फादर एंड कीप फाइटिंग एंड क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑर्फन्स। तभी बड़े दुखी। ऑल आर वेरी सॉरफुल। अब जो अपन को गुरु कहलाते आते हैं। नाउ Those who keep calling themselves gurus, धर्म के बड़े बड़े हैं, वो आपस में राय कर रहे हैं। The ones who are great leaders in their religion are exchanging opinions amongst themselves. कि भारत में शांति कैसे हो? How to bring peace in Bharat? सारी दुनिया में अशांति। There is restlessness in the entire world. तो धर्म के जो बड़े बड़े हैं वो भारत में ही राय निकालेंगे क्या? Will the ones who are great leaders in religion bring out opinions only in Bharat? धर्म के जो बड़े बड़े नेताएं हैं वो तो सारी दुनिया में फैले हुए हैं कि सिर्फ भारत में ही हैं? The great religious leaders are indeed spread in the entire world or are they present only in Bharat? वो तो सारी दुनिया में फैले हुए। They are indeed spread in the entire world. फिर यहाँ ये क्यों कहा? So why did he say this here? हाँ। Someone said something. Yes. जरूर ब्राह्मणों की दुनिया की बात बाबा कर रहे हैं, उस दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं। Certainly बाबा is talking about the Brahmin world. He isn't talking about the outside world. पहले घर का सुधार फिर? First there should be the improvement of the home and later बाहर का सुधार, पर का सुधार। There should be the improvement of the outside, the other ones. तो पहले आधार मूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रूट्स। और उससे भी पहले एंड इवन बिफोर देम बीज रूप ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़े बड़े गुरु हैं धर्म के। द ग्रेट रिलीजियस गुरुज इन द ब्राह्मण वर्ल्ड ऑफ द सीड फॉर्म सोल्स वो आपस में राय कर रहे हैं कि भारत में शांति कैसे हो। आर एक्सचेंजिंग ओपिनियंस अमंगस्ट देमसेल्व्स हाउ कैन देयर बी पीस इन भारत। सारी दुनिया में अशांति है। There is restlessness in the entire world. इसलिए बच्चों को दुख से रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुख धाम लेने के लिए बाप आते, ले जाने के लिए बाप आते। That is why the father comes to release the children from sorrow, from the kingdom of Ravan, and take them to the kingdom of Ram, to the abode of happiness. बाप कहते हैं ये मेरा फर्ज है।
द फादर सेज दिस इज माई ड्यूटी। और कल्प कल्प आता हूँ एंड आई कम एवरी साइकिल। सारे वर्ल्ड अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। देर इज ओनली वन फादर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड मीनिंग ऑल द सोल्स। सभी कहते हैं हे बेहद का बाबा। एवरी वन सेज ओ अनलिमिटेड बाबा। अभी ऊपर से तख्त छोड़ करके आओ। नाउ लीव द थ्रोन एंड कम फ्रॉम अबव। क्या वॉट तख्त कौन सा है? विच थ्रोन इज इट? एक तो अकाल तख्त। वन इज द अकाल मीनिंग इमोर्टल थ्रोन। एक दिल तख्त। वन इज द थ्रोन ऑफ द हार्ट दिल तख्त। और तीसरा तख्त कौन सा है? एंड विच इज द थर्ड थ्रोन? राजाई का तख्त। द थ्रोन ऑफ द किंगशिप। लेकिन शिव बाप तो कोई राजाई का तख्त लेते नहीं। बट द फादर शिव डजेंट टेक एनी थ्रोन ऑफ किंगशिप। फिर कौन सा तख्त रह गया उनके? सो विच थ्रोन इज लेफ्ट? अकाल तख्त। द इमोर्टल थ्रोन। उनके पास दिल तख्त नहीं है क्या? डजेंट ही हैव द थ्रोन ऑफ हार्ट? दिल तख्त नहीं है क्या? डजेंट ही हैव द थ्रोन ऑफ हार्ट? दिल तख्त है, दिल कहाँ होता है? डज ही हैव द थ्रोन ऑफ हार्ट? वेयर इज द हार्ट? साकार शरीर में दिल होता है। द हार्ट इज इन द कॉर्पोरियल बॉडी। फेफड़ों में कहते हैं दिल होता है। दे से दैट द हार्ट इज इन बिटवीन द लंग्स। अकाल तख्त कहाँ होता है? एंड वेयर इज द इमोर्टल थ्रोन? कहाँ होता है? वेयर इज इट? भ्रकुटी के मध्य। इन बिटवीन द टू आईब्रोज भ्रकुटी। तो बाप के पास कौन सा तख्त है? सो विच थ्रोन डज द फादर हैव? तीनों है। समवन मस्ट हैव सेड समथिंग। डज ही हैव ऑल द थ्री थ्रोन्स? कौन सा नहीं? विच वन डजेंट ही हैव? राज तख्त, यीशु का मालिक नहीं बनता। ही डजेंट हैव द रॉयल थ्रोन। He doesn't become the master of the world. अच्छा, दिल तक है। All right. Does he have the throne of the heart? दिल पूरा पूरा उसके बस में है। Is the heart completely in his control? जब बाप जाने तो तुम क्यों कहते हो? Someone said something. When the father knows, why do you say this? तुम कहते हो तो बाप क्यों जाने? Why should the father know if you say it? तो तुम भी जानते हो। If you say it, then you also know it. कोई दिल ऐसा है जो पूरा पूरा बाप के बस में है? Is there any heart that is entirely in the control of the father? बाप का जिसके ऊपर पूरा पूरा अधिकार हो। Is there any heart over which the father has the full authority? ऐसा कोई है? कौन सा है? Is there some heart like this? A student? Yes, there is. Is it there? Which one is it? A student is saying something. जो उनका साकार माध्यम है वही उनका दिल है, दिल तख्त। Is the same one who is his corporeal medium, his heart, the throne of heart? कि दिमाग तख्त। Or is he the throne of the brain? साकार माध्यम कौन है? Who is the corporeal medium? कौन से शहर को दिल तख्त कहा गया है? Which city is called the throne of the heart? Someone said Delhi, that is Delhi. Delhi mera dil tak hai. Delhi is my throne of the heart. Yeah. What? Delhi mera dil tak hai. Delhi is my throne of the heart. Ab jab Delhi mera dil tak hai to sari duniya hi number 1 tak to hai. If Delhi is my throne of heart, the entire world is my throne number wise anyway. अच्छा, ऑल राइट। तो बाप का क्या दिल्ली दिल तख्त पर पूरा अधिकार है? ऑल राइट। सो डज द फादर हैव फुल अथॉरिटी ओवर द थ्रोन ऑफ द हार्ट ऑफ दिल्ली? अगर पूरा अधिकार होता तो अज्ञातवाणी में ऐसे क्यों कहते? इफ ही हैड द फुल अथॉरिटी व्हाई वुड ही से दिस इन द अव्यक्तवाणी? सारी दुनिया की नजर दिल्ली पर है, बाप की भी नजर दिल्ली पर। The eyes of the entire world is on Delhi. The father's eyes are on Delhi as well. ये क्या बात हो गई? What is this? इसका मतलब लड़ाई चल रही है। It means that the war is going on.
अ स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग. हाँ यस. अभी दिल तक पर पूरा अधिकार. नाउ द फुल अथॉरिटी ओवर द थ्रोन ऑफ हार्ट इज नॉट देयर. क्योंकि जब वो पूरा अधिकार हो जाता है तब तो फिर कोई की नजर होने का सवाल पैदा ही नहीं होता है. बिकॉज व्हेन द फुल अथॉरिटी ओवर इट इज एस्टैब्लिश्ड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनीवन हैविंग आईज ऑन इट एट ऑल. तो दिल तक भी नहीं. सो ही डजंट हैव द थ्रोन ऑफ द हार्ट ईदर. तक तो उसका कौन सा है जिसके ऊपर वो है. सो विच इज हिज थ्रोन ओवर विच ही हैज अथॉरिटी मीनिंग ही सिट्स. द इमोर्टल थ्रोन. वो कौन सा तत्व होता है. विच थ्रोन इज इट. ऊपर होता है क्या. इज इट अबव. भ्रकुटी. इट इज द प्लेस बिटवीन द आईब्रोज. भ्रकुटी. भ्रकुटी यानी आत्मिक स्टेज. भ्रकुटी मीन्स द सोल कॉन्शियस स्टेज. तो बच्चे क्या कहते हैं. एंड व्हाट डू द चिल्ड्रेन से. बाबा भी ऊपर से तख्त छोड़ करके नीचे आ जाओ. बाबा नाउ लीव द थ्रोन अबव एंड कम डाउन. मीनिंग. स्टूडेंट्स आर सेइंग समथिंग. अरे साकार में आया तब तो प्रकृति का तत्व मिलता है. अरे ही हैज कम इनटू अ कॉर्पोरियल फॉर्म ओनली देन ही रिसीव्स द थ्रोन बिटवीन द आईब्रोज. साकार में नहीं होगा तो प्रकृति का तत्व तीसरा नेत्र मिलेगा कहते. हाउ विल ही रिसीव द थ्रोन बिटवीन द आईब्रोज इन द फॉर्म ऑफ द थर्ड आई इफ ही इजेंट इन द कॉर्पोरियल फॉर्म. तीसरा नेत्र किसको दिखाते. हु इज शोन टू हैव द थर्ड आई. दिखाते हैं ना. दे शो इट डोंट दे. तो तीसरा नेत्र माने परमात्मा शिव. सो द थर्ड आई मीन्स द सुप्रीम सोल शिव. तो कहते हैं वो भी छोड़ दे. सो दे से लीव दैट एज वेल. ये तीसरा तक भी छोड़ दे. लीव दिस थर्ड थ्रोन एज वेल. आत्मिक स्टेज भी छोड़ दो. देन लीव द सोल कॉन्शियस स्टेज टू. आत्मिक स्टेज माने ऊंची स्टेज. द सोल कॉन्शियस स्टेज मीन्स अ हाई स्टेज. और वो ऊंची स्टेज भी वो भी तख्त छुड़वाए रहे. एंड दे आर मेकिंग हिम लीव दैट हाई स्टेज दैट थ्रोन टू. समवन सेड निराकार स्टेज मीनिंग इनकॉर्पोरियल स्टेज. यस. हे बाबा सब छोड़ो तो. दे से ओ बाबा लीव एवरीथिंग. बस हमारे ही दिन आएगा. जस्ट कम टू अवर स्टेज दैट इज ऑल. संकल्प चलते होंगे तो बाबा कहते हैं. समवन माइट बी हैविंग दीज थॉट्स दैट इज व्हाई बाबा सेज दिस. नहीं तो मुरली में कोई ऐसे बाबा झूठ थोड़े बोलने वाले. अदरवाइज बाबा इज नॉट गोइंग टू टेल लाइज इन द मुरली. ये झूठ बोलते होंगे. और विल ही बी टेलिंग लाइज. नो ही वॉन्ट से लाइज. तो तख्त छोड़ करके आ जाओ. सो लीव द थ्रोन एंड कम. कहाँ रहते हैं. वेयर डज ही स्टे. ब्रह्म महातत्व में रहने वाले हैं. ही इज अ रेसिडेंट ऑफ द ग्रेट एलिमेंट ऑफ ब्रह्म. इसको ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रह्मरंध्र द ओपनिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्कल. भक्ति मार्ग में इसको क्या कहते हैं. वॉट डू दे से ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन एज वेल. ब्रह्म कपालम. अ स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग. यस ब्रह्म कपालम. ब्रह्म महातत्व में रहते हैं. ही लिव्स इन द ग्रेट एलिमेंट ऑफ ब्रह्म. नीचे नहीं आते. ही डजंट कम डाउन. भ्रष्टाचारी बस इंद्रियों में रमण करते हैं. द करप्ट वंस डिलाइट इन द अनराइटियस ऑर्गन्स. शिव बाबा कोई भ्रष्टाचारी है क्या है? जो उसको तुम नीचे बुलाते हो. इज शिव बाबा करप्ट सो दैट यू कॉल हिम डाउन. क्या वॉट. वो कोई नीचे आने वाला तो है नहीं फिर तुम क्यों बुलाते हो. He is certainly not going to come down. Then why do you call him down? Student, to take us above. ऊपर ले जाने के लिए तुम बुलाते हो. Do you call him so that he would take you above? कि हमको आओ नीचे से ऊपर ले जाओ. Saying, come and take us above from down. हम डूबे हुए हैं कीचड़ में. नीचे तुम भी आ जाओ नीचे. We are drowned in mud at the bottom. You too come down here. अच्छा. तो बाप ब्रह्म महत्व में रहते हैं ना. सो द फादर लिव्स इन द ग्रेट एलिमेंट ऑफ ब्रह्म डजंट ही. यहाँ है जीवात्मा. हियर देयर आर लिविंग सोल्स. यहाँ इस सृष्टि पर आत्माएं नहीं. हियर इन दिस वर्ल्ड देयर आर नॉट सोल्स. यहाँ है जीवन में रहने वाली आत्माएं. देयर आर सोल्स लिविंग अ लाइफ ओवर हियर.
वो है आत्माओं का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। दैट इज द प्लेस ऑफ द सोल्स विच इज कॉल्ड द सोल वर्ल्ड ब्रह्मांड। अंडे में तल आत्मा वहाँ रहती। द सोल्स लिव ओवर देयर इन द फॉर्म ऑफ एग्स। टीका भी कैसा लगा देते हैं? वट टाइप ऑफ टीका मीनिंग अ वर्मिलियन मार्क डू दे अप्लाई? अंडे में लाइक एन एग। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ये नाटक है सुख और दुख का। सो द फादर एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रेन दिस इज अ प्ले ऑफ हैप्पीनेस एंड सोरो। इस समय सभी नास्तिक। एट दिस टाइम एवरी वन इज एथिस्ट। ऑर्फन है। दे आर ऑर्फन्स। एक तो बाप को नहीं जानते। वन थिंग इज दैट दे डोंट नो द फादर। और दूसरा फिर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। एंड द अदर थिंग इज दैट दे से गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। अगर बाप को जाने। इफ दे नो द फादर तो वो तो सर्वव्यापी तो होता नहीं। सो ही इज सर्टेनली नॉट ओमनी प्रेजेंट। वो तो एक व्यापी अर्थात एक मुकर्र रथ में आता है। ही इज प्रेजेंट इन वन मीनिंग ही कम्स इन टू वन परमानेंट चैरियट। आज में भी उसी रथ में और अंत में भी उसी रथ में आ कार्य को संपन्न करता है। ही केम इन टू दिस चैरियट एट द बिगनिंग एंड ऑल्सो एट द एंड ही कम्स इन द सेम चैरियट एंड कम्प्लीट्स द वर्क। बुलाते भी है परम पिता परमात्मा। दे ऑल्सो कॉल हिम ओ सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा। तो बुलाया किसको जाएगा? सर्वव्यापी को। हु विल बी कॉल्ड? विल द वन हु इज ओमनी प्रेजेंट बी कॉल्ड? बुलाते हैं क्योंकि दुखी है। दे कॉल हिम बिकॉज दे आर सोरोफुल। ये गीत भी इस पर गाया हुआ क्या? दिस सॉन्ग इज ऑल्सो संग फॉर दिस विच वन? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। लीव द थ्रोन ऑफ द स्काई एट लास्ट। बच्चों को क्या भूल हो गई जो दुखी हो गए? वॉट मिस्टेक डिड द चिल्ड्रन मेक सो दैट दे बिकेम सोरोफुल? भूल क्या हो गई? वॉट मिस्टेक डिड दे मेक? बाप को। दे फॉरगॉट द फादर। मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ उसको कोई बिरला जाता। सम रेयर वंस नो वॉट आई एम हाउ आई एम एंड इन विच फॉर्म आई प्ले माई रोल। अ स्टूडेंट इज आस्किंग समथिंग। आए? वाई डिंट ही कम? ही डिड कम। लेकिन आने के बाद बच्चों की इतनी सामर्थ्य नहीं कि 50 साल की पुरुषार्थ करने के बाद किसी स्टेज पर पहुंच पाते। बट आफ्टर हिज कमिंग द चिल्ड्रन डोंट हैव दैट मच कैपेबिलिटी सो दैट दे मे अचीव अ हाई स्टेज आफ्टर डूइंग पुरुषार्थ फॉर 50 इयर्स। फिर जहाँ के तहाँ पहुँचे दे रीच्ड द सेम स्टेज वेयर दे वर। अ स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग। इसलिए तो मुरली बोला। दैट इज व्हाई इट वाज सेड इन द मुरली कि 50 साल के बाद भी जहाँ की तहाँ पहुँचे। इवन आफ्टर 50 इयर्स दे रीच्ड वेयर दे वर। जहाँ थे वहीं पहुँचे। दे रीच्ड वेयर दे वर। अ स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग। तो इसलिए बोला फिर से आओ। दैट इज व्हाई इट वाज सेड कम अगेन। फिर से आओ कौन कहेगा? हु विल से कम अगेन? बच्चे ही कहेंगे ना जिनकी बुद्धि में बात बैठी हुई हो। ओनली द चिल्ड्रन इन हुज इंटेलेक्ट द टॉपिक हैज सेट विल से दिस वोंट दे। फिर से आओ का मतलब 5000 वर्ष पहले आए थे अब फिर से आओ ये थोड़े। सो कम अगेन डजंट मीन दैट ही केम 5000 इयर्स अगो एंड नाउ कम अगेन। वो तो हर 5000 वर्ष आते ही आते हैं। ही कम्स एवरी 5000 इयर्स एनीवे। यस। तो बच्चे बाप को भूले हैं। सो द चिल्ड्रन फॉरगॉट द फादर। गीता का भगवान जिसने राजयोग सिखाया क्या सिखाया? गॉड ऑफ द गीता हु टॉट राजयोग व्हाट डिड ही टीच? राजयोग सिखाया। ही टॉट राजयोग। राजयोग नाम क्यों रखा? व्हाई वॉज इट गिवन द नेम राजयोग? अ स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग। योग से राजा ही मिलती है। इज ओनली द किंगशिप ऑब्टेंड थ्रू योगा? बाकी कोई राजा नहीं। इजंट देयर एनी अदर सीक्रेट? अ स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग। कोई राजों से भरा योग है? इट इज अ योगा दैट इज फुल ऑफ सीक्रेट्स। योग तो सभी लगाते हैं। ऑल डू प्रैक्टिस योग दैट इज मेक अ कनेक्शन।
पति पत्नी से, बच्चा बाप से, द वाइफ विद द हस्बैंड, द सन विद द फादर, भाई भाई से, बहन भाई से, द ब्रदर विद द ब्रदर, द सिस्टर विद द ब्रदर, योग तो सबका होता है। एवरीवन इंडीड हैज अ कनेक्शन विद समवन, लेकिन उनमें इतना राज नहीं है। बट देयर आरंट सो मेनी सीक्रेट्स इन दोस दैट इज योगास, जो बात योग सिखाते हैं उसमें क्या विशेषता है। वॉट इज द स्पेशलिटी ऑफ द योग दैट द फादर टीचर्स, वो तो राजा ही तो बाद में मिले। द किंगशिप विल बी ऑब्टेंड लेटर ऑन, बाकी अभी क्या विशेषता है। बट वॉट इज द स्पेशलिटी नाउ, और जो योग लगाते हैं वो एक संबंध का रचना आती है। इफ यू मेक कनेक्शन विद द अदर्स यू रिसीव द टेस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, और बाप से जो बच्चे योग लगाते हैं, वेयर इज द चिल्ड्रेन हु मेक कनेक्शन विद द फादर, तो जो पक्के योगी होते हैं उनको सर्व संबंधों की रचना आती। देन दोज हु आर पावरफुल योगीज दे रिसीव द टेस्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, अनुभूति आती, दे एक्सपीरियंस देम। तो राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया। सो ही टॉट राजयोग एंड मेड द ऑर्फन्स मीनिंग अनाथ इन टू द वंस हु हैव अ मास्टर मीनिंग सनाथ, माता पिता का भी संबंध आ जाता। द रिलेशनशिप ऑफ द मदर एंड फादर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट, जिनके माता पिता नहीं होते हैं वो क्या समझते हैं अपने को। वॉट डू द वंस विदाउट देयर मदर एंड फादर कंसिडर देमसेल्व्स टू बी, अनाथ, यतीम, ऑर्फन। दे थिंक दैट दे आर अनाथ, यतीम, दैट इज ऑर्फन्स। फिर आपस में लड़ते झगड़ते हैं। देयरफॉर दे फाइट एंड क्वारल अमंगस्ट देमसेल्व्स। ऑर्फन होंगे तो मनसा से, वाचा से, कर्मणा से झगड़ेंगे। इफ दे आर ऑर्फन्स दे क्वारल थ्रू द माइंड थ्रू द स्पीच एंड थ्रू द एक्शंस। तो जिन्होंने अनाथ से सनाथ बनाया उनको जानते नहीं। सो दे डोंट इवन नो द वन हु मेड द ऑर्फन्स इन टू द वंस विथ अ मास्टर। गाते भी है अंधों, ये अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा। दे ऑल्सो सिंग ओ बाबा हु मेक्स द ऑर्फन्स इन टू द वंस विथ अ मास्टर। अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। He makes only Bharat from an orphan into the one with the master. Videsh ko nahi banate. He doesn't make foreign lands into this. Bharati sanat sada sukhi tha. Only Bharat was the one with the master. It was always happy. Purity, peace, prosperity. There was purity, peace and prosperity. Grihastham. It was the ashram of the household. Grihastha ashram. दूसरे देशों में स्त्रीयम गृहस्थ आश्रम नहीं होता है। द स्टेबल आश्रम ऑफ द हाउस होल्ड डजंट एग्जिस्ट इन द अदर कंट्रीज, क्योंकि वहाँ तो तलाक प्रथा चलती है। बिकॉज द ट्रेडिशन ऑफ डाइवोर्स इज प्रैक्टिस्ड देयर, एक छोड़ा दूसरा किया। दे लीव वन एंड गेट अनदर पार्टनर, तो गृहस्थी जीवन तो टूट गया। देयरफॉर द हाउस होल्ड लाइफ इज इंडीड डिस्ट्रॉयड। भारत महान पवित्र था। भारत वॉज एक्सट्रीमली प्योर, प्योरिटी बहुत थी। देर वॉज अ लॉट ऑफ प्यूरिटी। गाते भी है 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। दे ऑल्सो प्रेज इट एज 16 सेलेस्टियल डिग्रीज कम्प्लीट, कम्प्लीट विथ ऑल द वर्च्यूज, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, कम्प्लीटली नॉन वायलेंट, द वन हु फॉलोज द हाइएस्ट कोड ऑफ कॉन्डक्ट मीनिंग मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ तो तुम अनाथ बन गए। नाउ यू हैव बिकम ऑर्फन्स। अनाथ बनने से इनमें से कोई गुण, कोई क्वालिटी नहीं है। बिकॉज ऑफ हैविंग बिकम ऑर्फन्स नो क्वालिटी फ्रॉम अमंग दोज मेंशन्ड बिफोर हैज रिमेन्ड इन यू। उनको पता नहीं है हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। दे डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड वायलेंस एंड व्हाट इज कॉल्ड नॉन वायलेंस। वो समझते हैं गऊ आदि को मारना ये कोई हिंसा है। दे थिंक दैट किलिंग काउस एंड सो ऑन इज एन एक्ट ऑफ वायलेंस। कौन, हु, दुनिया वाले समझते हैं। पीपल ऑफ द वर्ल्ड थिंक लाइक दिस। ब्राह्मण को दुनिया में तो नहीं समझते। दे डोंट थिंक लाइक दिस इन द ब्राह्मण वर्ल्ड, डू दे?
ब्राह्मण दुनिया में कौन गौ माता? Who kills cows in the Brahmin world? Student, mothers and virgins. कन्या माता जो है वो ही भारतवर्ष में गौओं की माफिक मानी जाती है. Yes, in Bharat, the virgins and mothers themselves are considered as cows. गौ जो होती है भारत की कन्या जिस खूंटे पे बांध दी जाए वही बनी रहती. A cow, a virgin of Bharat, remains tied to the post to which she was tied. तो वो समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा. So they think that killing cows and so on is an act of violence. यहाँ कौन कन्या को मारता है? Who kills a virgin here? कोई ब्राह्मण दुनिया में कन्याओं को मारता है क्या? Does anyone kill virgins in the Brahmin world? माताओं को कोई मारता है क्या? हत्या करता है क्या? Does anyone kill mothers? Do they murder them? वो तो हिंसा हिंसा इस फूल को समझ लेते हैं. A student is saying something. Yes, those ones do consider the physical acts as violence and non-violence. और यहाँ है विकार की हिंसा. And here it is about the violence of vice. विकारी बनाया तो जैसे उसकी बुद्धि को जो परमात्मा में लगनी चाहिए वो कहाँ खींच लिया. If someone made her, meaning the virgin or mother, vicious, it is as if where did he attract her intellect that should be engaged in the supreme soul? अपनी तरफ खींच लिया. He attracted it towards him. तो जैसे वो आत्मा का घात कर दिया. So it is as if he murdered the soul. तो उनको पता नहीं है हिंसा हिंसा किसको कहा जाता है. So they don't know what is called violence and what is called non-violence. बाप कहते हैं एक तो ऊपर काम का कार्य चलाना यही बड़ी हिंसा है. The father says, using the dagger of lust, kam katari on each other is the greatest violence. Ravan ki pravesta, iske karan sabhi patit ban pade. Because of the entrance of Ravan, all became impure. Patit kyon ban pade hain sabhi? Why have all become impure? Ravan ne pravesh kar liya. It is because Ravan has entered. Ravan man? What does Ravan mean? व्यभिचारी. It means the one who is adulterated. व्यभिचारी बनाने वाले. The ones who make the others adulterated. उसने प्रवेश कर लिया है. They have entered. काय में. Where? काय में प्रवेश कर लिया. Where did they enter? रावण काय में प्रवेश करता है. अरे where does रावण enter? भूल गए. Did you forget? अरे बुद्धि में ही प्रवेश करेगा ना. अरे ही विल एंटर ओनली इनटू द इंटेलेक्ट वोंट ही. कहाँ ने उसे भूल गए. वेयर वर यू दैट यू जस्ट फॉरगॉट इट. बुद्धि में विचार बस. देयर इज एडल्ट्रेशन इन द इंटेलेक्ट एंड दैट्स इट. इसे पतित बन पड़े. दे बिकेम इम्प्योर बिकॉज ऑफ दिस. बाप कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी. द फादर सेज इफ दे थिंक गॉड इज ओमनी प्रेजेंट. सभी ईश्वर के रूप हैं. एवरीवन इज अ फॉर्म ऑफ गॉड. तो कोई भी पावन हो नहीं सकता. देन नो वन कैन बिकम प्योर इंडीड. ये तो आसुरी संप्रदाय है जो कहते हैं सभी ईश्वर के रूप हैं. द वंस हु से दैट एवरीवन इज अ फॉर्म ऑफ गॉड आर ऑफ अ डेविलिश कम्युनिटी. सभी में पांच विकारों की प्रवेशता है. द फाइव वाइसेस हैव एंटर्ड एवरीवन. इसलिए कहते हैं कि सभी ईश्वर के रूप हैं. That is why they say that everyone is a form of God. नहीं तो ईश्वर का रूप तो वास्तव में एक ही होगा. Otherwise, the form of God will be only one in reality. Number one दुश्मन है देह अभिमान. फिर काम क्रोध. Body consciousness is the number one enemy. Then come lust and anger. ये पांच विकार तुम्हारे दुश्मन हैं. These five vices are your enemies. जिन्होंने तुमको अनाथ बनाया. They have made you into orphans. कोई को ये भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब हुआ. No one knows when there was the kingdom of Ravan. कहते भी है राक्षस राज्य है. They also say that there is the devil's kingdom. क्या? What? नाम रखा राक्षस राज्य. They named it the devil's kingdom. इसको रौरव नरक कहा जाता है. It is called the terrible hell, रौरव नरक.
परंतु जानते नहीं है रावण कौन है। Nevertheless, they don't know who Ravan is. बाप पूछते हैं भारतवासी बच्चे तुम सतयुग में कहां से थे। The father says, children, the residents of Bharat, भारतवासी, you were always happy in the golden age. कितने सुखी थे। You were so happy. कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गए। When someone leaves the body, they say he went to paradise. ये कहावत भी कहाँ की यादगार। This saying is a reminder of which time? Someone must have said something. कैसे? How? संगम युग की यादगार कैसे? How is it a reminder of the confluence age? A student is saying something. जो यहाँ देह अभिमान छोड़ करके बाप से मिलेगा। The one who renounces body consciousness here and meets the father. तो वो स्वर्ग की सुख की अनुभूति कर सकता है। He can experience the happiness of paradise. और जरा भी अगर देह अभिमान हुआ। If there is even a little body consciousness, तो बाप के मिलने के बावजूद भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता है। Despite having met the father, he can't experience happiness. इसलिए बाबा मुरली में पूछते हैं बार बार। That is why बाबा asks in the मुरलीज again and again. तुमको बाप मिला तो हेवनली गॉड फादर मिला तो हेवन में होने चाहिए। When you have found the father, you have found heavenly God the father, so you should be in heaven. फिर हम दुखी क्यों हैं? Then why are we sad? कारण? What is the reason? कारण अभी देह अभिमान को नहीं दिया गया। The reason is that we haven't renounced body consciousness yet. हम ये हैं, हम वो हैं। We think, I am this, I am that. हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। I will do it like this. I will do it like that. हमने इतना किया, हमने उतना किया। I did this much. I did that much. तो शरीर छोड़ते हैं कहते हैं स्वर्ग गया। So when someone leaves the body, they say he went to paradise. तो नरक से गया ना। Thus he went there from hell, didn't he? शरीर छोड़ेगा तो अंजाम क्या होगा? If someone leaves the body, what will be the result? दुख की दुनिया से जाएगा ना। He will go away from the world of sorrow, won't he? तो बेहद में अर्थ क्या हुआ? What is the meaning of this in an unlimited sense? कि देह अभिमान से अगर मरेगा तो दुख की दुनिया की अनुभूति नहीं हो सकती। If someone dies from body consciousness, he can't experience the world of sorrow. वो सुख की ही अनुभूति करेगा। He will experience only happiness. किसी भी प्रकार का संकल्प मात्र भी ऐसा नहीं आ सकता जिससे दुख उत्पन्न हो। He can't have even a trace of any kind of thought which may give rise to sorrow. तो समझ जाइए, भारत इस समय नरक है। So you should understand that Bharat is hell at this time. नरक में क्या हो? What happens in hell? इसको राव राव नरक कहा जाता है। It is called the terrible hell. साधारण नरक नहीं। It is not an ordinary hell. राव राव नरक। It is the terrible hell. जैसे नाली होती है ना उसमें कीड़े कुलबुल आते हैं। For example, there is a gutter. Worms are restless in it. Someone said worms. हाँ। Yes. एक दूसरे को काटते रहते हैं। They keep biting each other. गरुड़ पुराण में कथाएं हैं। राव राव नरक की। There are stories of the terrible hell in the Garuda Puran, one of the scriptures of Hindu mythology. नाम रख दिया। What have they named it? Garuda. क्या खाता है? Garuda. What does Garuda, meaning eagle, eat? आप भी छोटे नंगे सब खा लेते हैं। It eats up the snakes, scorpions and spiders and so on. छोटे पुराण। और कोई नदी नहीं है। एंड इट इज नॉट एनी रिवर। लेकिन सागर में कभी गोते खाते रहते हैं। ऑल कीप डाइविंग इन टू द ओशन ऑफ पॉइजन, विषय सागर। एक को काटते ही होते रहते दे कीप बाइटिंग ईच अदर एंड बिकम अनहैप्पी। बात आकर समझाते हैं ये दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। द फादर कम्स एंड एक्सप्लेन्स This drama of sorrow and happiness is preordained. Otherwise, it isn't that right now it is hell
एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट इट इज पैराडाइज। इसी दुनिया में आप स्वर्ग है और अभी अभी मेरे के लिए ऐसा कुछ नहीं। There is nothing like in this very world there is paradise and right now there is hell. For example, they think you yourself give happiness, you yourself bring sorrow. It would mean that the Supreme Soul is giving paradise now and in the next moment he is also giving hell. It is not like that. The ones who are very wealthy think that they are in paradise. But it isn't like this. What? Don't think like this either. Whether it is the limited wealth or the unlimited wealth of knowledge. What? Even if someone has the unlimited wealth of knowledge, he shouldn't think that he is in paradise. The wealth is only a means. The physical wealth is a means to experience happiness. As well as the wealth of knowledge is a means to receive a high position and to be always happy. It isn't the aim, sadhya. The wealthy ones also become unhappy. What? The knowledgeable ones like Ravan also become very sorrowful. Have you seen Ravan's face in the serial of Ramayana in the TV? He was very powerful, but he was very sorrowful too. The wealthy ones also become unhappy. At this time, the entire world is sorrowful. The father explains, you have become atheists. As far as you are concerned, your mother and father are the masters. Why do you fight among yourselves? End of side A. Side B. The human beings don't know anything. They will also go in front of the statue of Lakshmi and Narayan and say, you are the mother and father and we are your children. They will also go in front of Radha and Krishna and say, you are the mother and father and we are your children. The father explains, all your laukik mother and father, brothers and sisters, gurus and teachers and so on, all of them are without a master. They are orphans. They can't give you happiness. They are orphans, so they are definitely the ones who fight and quarrel. A part of the Vani at the end of this page and the beginning of the next one is missing. Now he has become independent. Has the 5-year plan completed? Yes. The Gita is placed under the head of Bharat in the picture of the ladder. What is written on the Gita? 5-year plan.
The 5-year plan since the year 76-77 until 80-81. वो प्लान तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं सरकार के बार बार. The plans of the government are made and they fail repeatedly. और प्लानिंग कभी पूरी होती नहीं. And their planning is never completed. राम राज्य आता. The kingdom of Ram doesn't come. तो राम राज्य तो भले यहाँ नहीं आता. So, although the kingdom of Ram doesn't arrive here. लेकिन प्रिंस तो बन ही जाता. He indeed becomes a prince. Beggar too, प्रिंस बन जाता. He becomes a prince from a beggar. तो अभी ही देखो इतने मनुष्य जो रहने के लायक जगह नहीं है. So, look, now itself there are so many people that they don't have a place fit to stay. अभी भी क्या है हालत. What is the situation even now? भारत के पास तीन पैर पृथ्वी तो हो भले. Though it is said, Bharat has 3 feet of land. लेकिन है? तीन पैर पृथ्वी नहीं है. He, meaning the living Bharat, doesn't have 3 feet of land. अभी भी तीन पैर पृथ्वी नहीं है. Even now he doesn't have 3 feet of land. कैसी जगह? How is the place? मतलब तीन पैर पृथ्वी भी हो. All right, even if he has 3 feet of land. तो जगह कैसी है रहने लायक? What is the place like? The place is not fit to stay in. आगे पीछे चारों ओर बदबू ही बदबू. There is nothing but odor all around. तो जगह रहने लायक हुई? So, is it a place fit to stay in? है? इस धूल बदबू भी उड़ रही है. तो सूक्ष्म बदबू भी उड़ रही है. The physical odor is spreading as well as the subtle odor is spreading. नाम ही आबू रोड. The very name is आबू रोड. नाम क्या है? What is the name? Mount Abu. Mount Abu. जहाँ बदबू का पहाड़ आगे इकट्ठा हुआ. इट इज अ प्लेस वेयर ऑर्डर एक्यूमुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ माउंटेन. पतित आत्माओं को पावन होना. इट इज बिकॉज इट इज द इम्प्योर सोल्स हु हैव टू बिकम प्योर. तो कैसे इकट्ठे होंगे? देयरफॉर व्हाट काइंड ऑफ सोल्स विल गैदर? पतित इकट्ठे होंगे. ओनली द इम्प्योर वंस विल गैदर. तो खाने के लिए भारत को अन्न अन्न नहीं. सो भारत डजंट हैव food to eat. है? योग माने स्नेह रूपी अन्न नहीं मिल रहा है उसको. योग मीन्स ही इज नॉट रिसीविंग द अफेक्शन इन द फॉर्म ऑफ फूड. योग माने क्या? वॉट डज योग मीन? स्नेह सच्चा प्यार वही आत्मा की बात है. अफेक्शन द ट्रू लव दैट अलोन इज द फूड फॉर द सोल. तो खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है. So he is not receiving food to eat. The Ahil girls, meaning girls of the Yadav clan, make the hero actor whom Shesh, the snake named Sheshnag, Mahesh, meaning Shankar, Dinesh, meaning son, Ganesh and Suresh, meaning the deity Indra, continuously meditate on, dance for a handful of buttermilk. A colloquial saying about Lord Krishna in the path of bhakti. खाने के लिए अन्न खाना नहीं. There is no food to eat. तो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर खाना. So leave the throne of the sky at last and come to this earth. कौन गाते हैं? Who sings like this? भक्त लोग. The devotees sing like this. भीख मांग रहे हैं कौन? He is asking for arms. Who? Bharat. Bharat. So ye khel Bharat par hi bana hua hai. So this play is based only on Bharat. Hai? A student is saying something. Sari duniya bhakt hai. To prajapita kya hua? When the people of the entire world are devotees, what is prajapita? Sari duniya patit hai. To prajapita kya hua? If the people of the entire world are impure, what is Prajapita? Patit. He is impure. Student, he is the father. Bache, tumhara baap aaya hua. Children, your father has come. Baap ka matlab kya? What does it mean by the father? Aisi koi baat nahi jo tum par lagu na hoti ho. There is nothing that doesn't apply to you.
तो सारी दुनिया का बीज है तो सारी दुनिया की कपातें पहले किसके ऊपर लागू होंगी? ही इज द सीड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, देयरफॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विल फर्स्ट ऑफ ऑल बी अप्लाइड टू होम? पहले बाप के ऊपर लागू? फर्स्ट इट विल बी अप्लाइड टू द फादर. पहले किसके ऊपर आएंगे? Even when the examinations come, on whom will they, meaning the examinations come first? बाप के ऊपर आएंगे? They will come on the father. तो भीख मांग रहे? So he is asking for alms. ये खेल भारत पर ही बना हुआ है. This play is based only on Bharat. भारत अनाथ था और भारत अनाथ. भारत was the one with a master. Now Bharat is an orphan. भारत सॉल्वेंट पवित्र था? भारत वॉज सॉल्वेंट एंड प्योर. भारत इज वॉज इनसॉल्वेंट अपवित्र. भारत इज नाउ इनसॉल्वेंट एंड इम्प्योर. भारत में राजाओं का राजा डबल सिरताज बनते. इन भारत द पांडवास बिकम द किंग्स ऑफ द किंग्स, द डबल क्राउंड वंस. कैसे सिरताज? व्हाट काइंड ऑफ क्राउंड वंस? डबल. कौन कौन से डबल? डबल क्राउंड वंस. Which are those two crowns? Light ka taj aur rajai ka taj. The crown of light and the crown of the kingship. Light ka taj? Crown of light. Light ka taj kaun sa hota hai? What is the crown of light? Purity ka taj. It is the crown of purity. Aur abhi? And what about now? Na purity ka taj hai aur na Pandavon ko rajai ka taj. There is neither the crown of purity nor do the Pandavas have the crown of the kingship. पहले थे. They had them, meaning the two crowns previously. बाप कहते हैं अब पति राजाओं का भी राजा तुमको बनाता हूँ. The father says, now I make you into the king of the impure kings. क्या कहा? What was said? ये अभी की बात है. It is about now. Students are saying something. हाँ, ये नया point है. Yes, this is a new point. नया तो नहीं है. It isn't actually new. अव्यक्तवाणी में कहा है? It has been said in an Avyaktavani. इक्कीस जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बनता है. The accounts of 63 births are also created on the basis of 21 births. इक्कीस जन्मों में जैसी जैसी प्राप्ति करेंगे उसी आधार पर 63 जन्मों की भी हिसाब की नदी हुई है. The rewards of 63 births are also fixed on the basis of the rewards received in 21 births. Point तो नया नहीं है लेकिन भूल जाते हैं तो नया. This is indeed not a new point, but because you forget it, it seems to be new. तो बाप कहते हैं अब पतित राजाओं का भी राजा तुमको बनाता हूँ. So the father says, I make you into the king of even the impure kings. Shooting हो रही है? The shooting is taking place. तो शूटिंग पीरियड में डायरेक्टर भी है. Therefore in the shooting period there is a director. एक्टर शूटिंग भी कर रहे हैं, रिहर्सल भी कर रहे हैं. The actors are doing the shooting as well as they are doing the rehearsal. और उसमें द्वापर युग की भी शूटिंग और कलयुग की भी शूटिंग होती है? The shooting of the copper age as well as the iron age takes place in this. सतयुग त्रेता की भी शूटिंग होती है? And the shooting of the golden and silver ages take place too. तो जब गिरती कला की शूटिंग होती है. Thus, when the shooting of the stage of descent takes place. तो समय जब जब बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते. Then at that time, whenever the children don't follow the श्रीमत. तो? Then. तो गिरती कला की शूटिंग माना कहाँ के राजा बनेंगे? Then the shooting of the stage of descent means which time will they become kings of? द्वापर कलयुग की राजा. They will become kings of the copper and iron ages. डबल सिरताज नहीं होते. At that time they are not double crowned ones. सिर्फ सिंगल ताजधारी राजा बनते. They become only single crowned kings. कौन सा सिंगल ताज? Which is that single crown? वहाँ तो राजा ही का ताज होगा, फुल ताज. There will be a physical crown of the kingship over there. और यहाँ कौन सा होगा? And what kind of crown will there be over here? Shooting period में कौन सा ताज? Which crown will there be in the shooting period? जिम्मेवारी का ताज. There will be the crown of responsibility. जो यहाँ जितनी जिम्मेवारी उठाते भले अपवित्र रहते हैं.
द मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी समवन टेक्स हियर इट डजंट मैटर इफ दे रिमेन इम्प्योर. पवित्र तो कोई नहीं है. नो वन इज प्योर इंडीड. नंबर वार तो सब हैं. ऑल आर सर्टेनली नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी. क्योंकि विकारी भी सतो प्रधान सतो सामान्य और रजो और तमो होते. बिकॉज द विशियस वंस आर ऑल्सो सतो प्रधान सतो सामान्य रजो एंड तमो. एक जैसे विकारी नहीं होते. दे आर नॉट विशियस टू द सेम एक्सटेंट. लेकिन नंबर वार तो होते ही. दे आर सर्टेनली नंबर वाइज. तो जो जितनी जिम्मेवारी यज्ञ की उठाते हैं. सो द मोर समवन टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यज्ञ उतने बड़े राजधारी राजा बनते. दे बिकम द होल्डर ऑफ द बिगर किंगडम. दे बिकम ग्रेटर किंग्स टू दैट एक्सटेंट. राजधारी राजा बनते. दे बिकम क्राउंड किंग्स. कोई सम्राट बन जाते. सम बिकम एम्परर्स. कोई छोटे मोटे राजा बनते. सम बिकम माइनर किंग्स. तो है इस समय जिम्मेवारी उठाने के ऊपर. सो इट डिपेंड्स ऑन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दिस टाइम. ऐसे नहीं कि यज्ञ में सरेंडर हो गए. इट इज नॉट सो दैट इफ समवन सरेंडर्ड इन द यज्ञ कुर्सी तो मिल गई. ही सर्टेनली ऑब्टेन्ड अ सीट. लेकिन जिम्मेवारी नहीं उठाई. बट ही इज नॉट टेकिंग अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इवन इफ द यज्ञ कैचेस फायर वी डोंट केयर. तो डबल करता है राजाओं का. राजा तुमको अभी बनाता हूँ. सो आई मेक यू डबल क्राउंड द किंग ऑफ किंग्स नाउ. क्या वॉट द्वापर में भी महाराजा होते. महाराजा ग्रेट किंग्स आर इन कॉपर एज एज वेल. पति तो राजा है. डबल करता है राजाओं को पूजते. द इम्प्योर किंग्स वर्शिप द डबल क्राउंड किंग्स. क्या वॉट पवित्र राजाओं की निशानी क्या है. वॉट इज द इंडिकेशन ऑफ द इम्प्योर किंग्स. जो डबल सिरताज राजा हैं. दे वर्शिप द डबल क्राउंड किंग्स. यानी जिनको लाइट का भी ताज और जिम्मेवारी का भी ताज होता है. मीनिंग द वंस हु हैव द क्राउन ऑफ लाइट एंड द क्राउन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल. लाइट मतलब वॉट डज लाइट मीन. कौन सी लाइट. विच लाइट. प्योरिटी यानी की लाइट. द लाइट ऑफ प्यूरिटी. The light of knowledge. कोई धूल लाइट तो होती नहीं है जो देवताओं को दिखाई जाती. It is certainly not any physical light that they show in the case of the deities. जितनी जितनी प्योरिटी होगी उतनी मनसा में मन चिंतन मंथन चलेगा. The more purity they have, the more their minds will think and churn. प्योरिटी नहीं होगी तो मनसा मन चिंतन मंथन चलना सके. If there is no purity, their minds can't think and churn. बाप की याद They can't remember the father. तो बताया. So it was said. पतित राजाएं डबल सिरताज राजाओं की पूजा करते. The impure kings worship the double crowned kings. ये भी कहाँ की बात. This too is about when. ये भी संगम युग में शूटिंग होती है. कि जो पतित राजाएं होते हैं जिम्मेवारी तो उठाते हैं. This shooting also happens in the confluence age that the impure kings do take up responsibilities. लेकिन होते कैसे हैं. But what are they like? पतित. They are impure. हाँ. Yes. उनको फिर कहाँ जाकर के किसके पास जाकर के किसके स्थान पर जाकर के माथा झुकाना पड़ता है. Where do they have to go? To whom do they have to go? To whose place do they have to go and bow their heads? डबल सिरताज राजा के पास जाकर के उनको माथा झुकाना. They have to go to the double crowned kings and definitely bow their heads. ये भी शूटिंग यही हो रही है. This shooting also is taking place here itself. क्योंकि वो पावन है और वो पतित. It is because they are pure and those ones meaning who have to bow their heads are impure. भारत पर ये खेल है. This play is based only on Bharat. बाकी वो तो बाई प्लाट है दूसरे धर्म वाले. And as for the rest, they, that is those of the other religions, are byplot, meaning secondary roots. भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर वन धर्म है. Only the ancient deity religion, देवी देवता धर्म of भारत is the elevated number one religion. देवी धर्म दैवी कर्म. The religion is divine, the actions are divine. श्रेष्ठ वहाँ भ्रष्ट कोई होते नहीं. It is elevated. No one is corrupt over there. भारत में ही देवी देवता धर्म धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ.
The ancient deity religion was elevated in religion and actions in Bharat only. Now it has become corrupt in religion and in actions. The practices as well as the actions performed through the organs of action have become corrupt. The father explains, the main religions are only four. Which ones? Someone said Adi Sanatan. Yes. The deity religion, Islam, Buddhism and Christianity. First of all, there is the deity religion of the Golden Age. The father himself will do the work of establishing the Golden Age. It is not that the father will come and establish a religion having 14 celestial degrees, meaning 2 celestial degrees less. The father himself comes and establishes the Golden Age. The father doesn't establish the Silver Age when he comes. He doesn't establish the Copper Age when he comes. He is Heavenly God the Father. What does it mean? He is Heavenly God the Father, the creator of the paradise of the first birth. The father says, I come only in one confluence age of the cycle, Kalpa. You children know, we are becoming the ones with the master. It is only the unlimited father who makes the orphans into the ones with the master. A human being can only give temporary happiness to another human being. They can't give the everlasting happiness of 84 births. No one can give the kingship for birth after birth. This is certainly the world of sorrow. They keep crying out for help. Bharat was the abode of happiness. Now it is the abode of sorrow. The father has come from the abode of peace. Where has he come from? From the abode of peace. Which father? Students are saying something. Is it the father Shiv? Does it mean that only Shiv, the point of light, has come from the abode of peace? And as for the rest, hasn't the unlimited father, Prajapita, come from the abode of peace? Students are saying something. Hasn't he come from the abode of peace? Does he belong to this place only? Yog ki result kya hai? What is the result of yoga? Jo sabse jaasti yogi hoga, to prapti kya hogi? What will be the reward for the one who is the greatest yogi? Jyada se jyada sukh aur shanti. He will experience happiness and peace to the greatest extent. To tum bachchon ko aur dharmon ke muqable jaasti shanti aur sukh milta hai. So, compared with the other religions, you children receive more peace and happiness. The other religions don't receive so much happiness and peace. What is the three quarters of your lives? It is full of happiness and peace. In the Copper Age, there aren't so many fights and quarrels. तो ये तो औसतन बताया।
इट वॉज सेड ऑन एन एवरेज क्या वॉट 3/4 60-65 जन 3/4 मीनिंग अराउंड 60-65 बर्ड्स 84 जन्मों में से 3/4 कितने हुए हाउ मच डज 3/4 ऑफ द 84 बर्ड्स मेक कितने हुए हाउ मच डज इट मेक अरे जल्दी निकालो अरे काउंट इट क्विकली मैथमेटिशियंस आर सिटिंग हियर स्टूडेंट 63 63 बर्ड्स तो 21 जन्म वो और बाकी 63 जन्मों में से निकाल लो सो दोज 21 बर्ड्स ऑफ द गोल्डन एंड द सिल्वर एजेस एंड डिडक्ट द रेस्ट फ्रॉम 63 बर्ड्स अ स्टूडेंट 42 बर्ड्स 42 बर्ड्स यानी द्वापर द्वापर तक तो दुख में ही रहते इट मीन्स दैट यू आर इंडीड इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस टिल द कॉपर एज यानी तीन युग सुख में मीनिंग 3 युगास दैट इज एजेस आर लिव्ड इन हैप्पीनेस लेकिन ये औसतन बताया बट इट वॉज सेड ऑन एन एवरेज ऐसे नहीं समझना सबका एक ही है डोंट थिंक दैट इट इज द सेम फॉर एवरी वन उन्होंने कोई जाति योगी है कोई कम योगी ऑल्सो अमंग दोज दैट इज चिल्ड्रेन हु रिसीव 3/4 हैप्पीनेस सम आर मोर योगीज एंड सम आर लेस योगीज तो जो जाति योगी होंगे वो सुख भी शांति भी जाति होगी सो द वंस हु आर मोर योगीज विल ऑल्सो एक्सपीरियंस मोर हैप्पीनेस एंड पीस तो मैं कब आता हूँ सो वेन डू आई कम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म आई कम इन द लास्ट बर्थ इन द एंड ऑफ मेनी बर्थ्स तो जरूर कोई ऐसी आत्माएं भी हैं जिनको एक दो जन्म ही सिर्फ दुख मिलता है सो सर्टनली देर आर ऑल्सो सच सोल्स हु सफर सॉरो फॉर ओनली वन और टू बर्थ्स बाकी सब जन्मों में सुख का प्रारब्ध शांति का प्रारब्ध रहता है इन द रिमेनिंग अदर बर्थ्स दे हैव द फ्रूट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस तो बाप शांति देश से आए सो द फादर हैज कम फ्रॉम द कंट्री ऑफ पीस इसका मतलब है कि प्रजापिता वाली आत्मा का भी कोई सुख कम नहीं है इट मीन्स दैट ऑल्सो फॉर द सोल ऑफ प्रजापिता हिज हैप्पीनेस इज नॉट एनी लेस संगमरमर में आती है तो कहाँ से आती है व्हेन ही कम्स इन द कॉन्फ्लुएंस एज वेयर डज ही कम फ्रॉम शांत देश से फ्रॉम अ पीसफुल कंट्री जो व्यास वाली आत्मा है मान लो फर्स्ट व्यास सपोज द सोल ऑफ व्यास द फर्स्ट व्यास सेकेंड थर्ड नहीं नॉट द सेकेंड और थर्ड वन तो इतनी ज्ञानी तू आत्मा होगी तो अशांत रहेगी क्या सो ही इज सच अ नॉलेजेबल सोल विल ही रिमेन रेस्टलेस अशांत रहकर के क्या शास्त्रों का निर्माण हो सकता है क्या कैन द क्रिएशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स टेक प्लेस व्हाइल बीइंग रेस्टलेस बुद्धि कर सकती है क्या कैन द इंटेलेक्ट वर्क इट कांट वर्क एट ऑल मन चिंतन मंथन चली जाता द थिंकिंग एंड चर्निंग कांट टेक प्लेस एट ऑल देह और देह की दुनिया में ही रमण करती रहेगी बुद्धि द इंटेलेक्ट विल कीप वॉन्डरिंग ओनली इन द बॉडी एंड द वर्ल्ड ऑफ द बॉडी अभी दुख धाम है आए हैं शांति धाम से नाउ इट इज द अबोर्ड ऑफ सोरो दुख धाम ही हैज कम फ्रॉम द अबोर्ड ऑफ पीस बाप कहते हैं द फादर सेज अब लाइट हाउस बनो नाउ बिकम अ लाइट हाउस कौन से हाउस बनो विच हाउस शुड यू बिकम स्टूडेंट अ लाइट हाउस लाइट हाउस अ लाइट हाउस तो क्या आंखों में से लाल लाल लाइट निकलने लगेगी देन विल योर आईज स्टार्ट एमिटिंग रेड लाइट अ स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग प्योरिटी की लाइट निकलने लगी कैसे पता चलेगा विल इट स्टार्ट एमिटिंग द लाइट ऑफ प्योरिटी हाउ विल यू कम टू नो स्टूडेंट्स आर सेइंग समथिंग जैसे अब्राहम बुद्ध क्राइस्ट उनकी आंखों से क्या निकलता है यस फॉर एग्जाम्पल अब्राहम बुद्धा क्राइस्ट वॉट इमनेट्स थ्रू देयर आईज चित्र देखा है ना यू हैव सीन देयर पिक्चर्स हैवंट यू क्या निकल रहा है वॉट इज इमनेटिंग थ्रू देयर आईज प्योरिटी की लाइट निकल रही है ना द लाइट ऑफ प्योरिटी इज इमनेटिंग इजंट इट तो जितनी लाइट निकल रही है उतना ही उनके मुख से ज्ञान भी सो नॉलेज विल इमर्ज थ्रू देयर माउथ एज मच एज लाइट इज इमनेटिंग थ्रू देयर आईज अपनी स्टेज का शास्त्र के स्टेज का ज्ञान भी निकलता है द नॉलेज कोरेस्पॉन्डिंग टू देयर स्टेज ऑफ द सात्विक दैट इज ट्रू स्टेज ऑल्सो इमर्जेस
through their mouths. Sattvic, the stage in which the soul and matter have their natural properties dominated by goodness and purity. सच्चाई भी उनके मुख से निकलती. The truth also emerges through their mouths. पहले वो सच्चाई होती है. At the beginning, that truth is the truth. बाद में उनके फॉलोअर्स के द्वारा उसको झूठा बना दिया. Later on, it is made false through their followers. तो बच्चे लाइट आउट बने. So, children become lighthouses. क्या बनो? What should you become? Students become pure. पवित्र बनेंगे तो उसकी निशानी क्या होगी? When you become pure, what will be the indication of this? एक तो चेहरे से ही महसूस होगी और दूसरा peace and prosperity होगी. One thing is that it will be visible through the face itself and the other thing is that there will be peace and prosperity. और? And? और मंथन बहुत चलेगा. And you will churn a lot. A student is saying something. वही? Yes, exactly. वो चेहरा भी दिखाई पड़ेगा लेकिन मुख से ज्ञान रतन. It will also be visible in the face, but the jewels of knowledge should emerge from the mouth. बुद्धि में मनन चिंतन मंथन भरा हुआ हो. The intellect should be full of thinking and churning. अगर बुद्धि नहीं चलती है विचार सागर मंथन. If the intellect doesn't work in churning the ocean of thoughts, तो समझो अभी चरती कला की ओर नहीं. Then consider that you aren't towards the stage of ascent now. So, बच्चे lighthouse बनो. So, children become lighthouses. कौन बने lighthouse? Who should become lighthouses? बच्चे. The children. बच्चों में पहला बच्चा कौन? Who is the first child among all the children? बच्चों में पहला बच्चा कौन? Who is the first child among all the children? Students. शंकर. उसमें तो शिव बाबा है होता ही. शिव बाबा इज एनी वे प्रेजेंट इन हिम. वो तो तीसरा ही नेत्र है वो क्या बने? ही इज द थर्ड आई इटसेल्फ. हाउ विल ही बिकम दिस? स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग. उसमें तो बनने ना बनने की बात ही नहीं. इन हिज केस देर इज नो क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग अ लाइट हाउस और नॉट. पहला बच्चा कौन? हु इज द फर्स्ट चाइल्ड? ब्रह्मा. तो पहले तो बुद्धि किसकी चले? सो whose intellect should work first? Badi amma. The intellect of the senior mother, Badi amma. Brahma ki buddhi chale. The intellect of Brahma should work. Brahma to waise hi gore chitte hai. Brahma was already of fair complexion. Hai? Aur unki buddhi chal padegi to pata nahi. Ekdam light out ho jayenge. And if his intellect had worked, then no one knows he would have become a lighthouse at once. Hai? Student, then the children will study very well. हाँ, वो पढ़े वो. Will they study very well? अच्छा, तो शिव बाबा को तो मैंने सब भूल जाएंगे. All right, then I think all will forget शिव बाबा. हैं? सबको हाथ को मुख में चलो जाए फिर का. What if everyone's intellect like hand goes in the mouth of the cow? गौ मुख? ऐसे है का? Does it happen like that? हैं? अब ना हुए. Now will it not happen that way? अब गीता को भगवान कृष्ण ना बनाएगा? Will Krishna not become the god of the Gita now? ना? अच्छी बात देखेंगे. No? Very well. We will see. पास फिर भी आज में आठ ही होंगे. Anyway, only 8 will finally pass. क्या कहा? What was said? आखिरी फाइनल परीक्षा में कितने पास होंगे? How many will pass in the final examination? पास फिर भी आठ ही होंगे. Anyway, only 8 will pass. तो बाप कहते हैं बच्चे लाइट हाउस बनो. सो द फादर सेज चिल्ड्रन बिकम लाइट हाउसेस. एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम के तारे. लेट द सीन्स ऑफ द अवॉर्ड ऑफ पीस रोटेट कॉन्स्टेंटली इन वन आई एंड द इमेज ऑफ द अवॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस रोटेट कॉन्स्टेंटली इन अनदर आई. अब नाटक पूरा होना. नाउ द शो इज अबाउट टू कम्प्लीट. ये चोला पुराना हो गया है. दिस बॉडी हैज बिकम ओल्ड. गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है. यू हैव टू रिमेन प्योर वाइल लिविंग इन द हाउस होल्ड. क्या? वॉट? ससंकर पाओत छोड़ चार जाए. अदरवाइज अ थॉट मे कम वी शुड लीव एवरीथिंग एंड रन अवे. कैसे पवित्र रहना है? इन वॉट वे शुड यू रिमेन प्योर? गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है. यू हैव टू रिमेन प्योर वाइल लिविंग इन अफेयर्स ऑफ द हाउस होल्ड.
मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, पवित्र है भी निस्थापन करने के लिए। आई योर फादर हैव कम टू एस्टेब्लिश द प्योर हेवन। प्योरिटी थी, देर वॉज प्यूरिटी, अब इम्प्योरिटी, नाउ देर इज इम्प्यूरिटी। कहाँ आया हुआ हूँ? वेयर हैव आई कम? इम्प्योरिटी की दुनिया। आई हैव कम इन द वर्ल्ड ऑफ इम्प्यूरिटी। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ। आई योर फादर हैव कम। क्या कहता हूँ? वॉट डू आई से? पवित्र हेवन स्थापन करने आया हुआ हूँ। आई हैव कम टू एस्टेब्लिश द प्योर हेवन। तो तुम्हें संशय आउट हो। सो यू मे बी डेवलपिंग डाउट। क्या? वॉट? तो तुम्हें संशय आता होगी जो हमारे बाप। सो यू मे बी डेवलपिंग डाउट दैट अवर फादर। स्टूडेंट, दिस वन इज नॉट अवर फादर। ये हमारे बाप। इज ही अवर फादर? जो ऐसा स्वर्ग स्थापन हो रहा। इज पैराडाइज बींग एस्टेब्लिश इन दिस वे? क्या तरीका? इन दिस वे। स्टूडेंट आस्क्ड हाउ मच टाइम? लाखों वर्ष। नाउ देर आर 100,000s, मीनिंग लैक्स ऑफ इयर्स। छोटा मोटा गुरु नहीं है ये। ही इजंट अ माइनर गुरु। बहुत बड़ा धर्म गुरु है। ही इज अ ग्रेट रिलीजियस गुरु। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ हेवन स्थापन करने। यू हैव टू रिमेन प्योर बाय लिविंग इन द हाउस होल्ड। आई योर फादर हैव कम टू एस्टेब्लिश हेवन। प्योरिटी थी, अब इम्प्योरिटी है। देर वॉज प्यूरिटी, नाउ देर इज इम्प्यूरिटी। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। The kingdom of Ram is for half a cycle and the kingdom of Ravan is for another half of the cycle. इस समय तुम ईश्वरीय गोद में। At this time you are on the lap of God. क्या? What? इस समय तुम काई की गोद में हो, किन की गोद में हो? On whose lap are you at this time? ईश्वर की गोद में हो। You are on the lap of God. और पहले? And previously? पहले आसुरी गोद में। Previously you were on the devilish lap. इस समय ईश्वरीय गोद में हो। एट दिस टाइम यू आर ऑन द लैप ऑफ गॉड। तो गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। सो यू हैव टू रिमेन प्योर व्हाइल लिविंग इन द हाउस होल्ड। ऐसे ना हो कि आसुरी गोद याद आती हो। इट शुडंट हैपन दैट यू रिमेम्बर द डेविलिश लैप। आसुरी गोद में नहीं चले जाना। डोंट गो ऑन द डेविलिश लैप। ये ईश्वरीय फैमिली है। दिस इज द फैमिली ऑफ गॉड। तो फैमिली होगी तो बाप भी होगा, तो अम्मा भी होगी, तो बच्चे भी होंगे। इफ देर इज अ फैमिली देर विल बी अ फादर एज वेल एज अ मदर एंड देर विल बी चिल्ड्रेन टू। दादा है शिव बाबा। शिव बाबा इज द ग्रैंड फादर। दादा? क्या? व्हाट? बाप और डैडी। द फादर बाप एंड द ग्रैंड फादर डैडी। बाप दादा अलग बात और बाप दादे अलग बात। बाप दादा इज अ डिफरेंट थिंग एंड बाप दादे इज अ डिफरेंट थिंग। दादे कहा जाता है बाप के बाप, ग्रैंड फादर। द फादर ऑफ द फादर द ग्रैंड फादर इज कॉल्ड दादे। दादा है शिव बाबा। शिव बाबा इज द ग्रैंड फादर। प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा इज बाबा। और लौकिक बाप भी है। एंड ही इज ऑल्सो द लौकिक दैट इज वर्ल्डली फादर। क्या कहा? वॉट वॉज सेड? प्रजापिता ब्रह्मा और क्या है? वॉट एल्स इज प्रजापिता ब्रह्मा? लौकिक बाप भी है। ही इज ऑल्सो द लौकिक फादर। इस समय तुमको तीन बाप है। एट दिस टाइम यू हैव थ्री फादर्स। कौन कौन से तीन बाप? विच थ्री फादर्स? लौकिक कौन? द लौकिक वन हु? लौकिक कौन? हु इज द लौकिक वन? स्टूडेंट्स आर सेइंग समथिंग। प्रजापिता ब्रह्मा वेद का बाप और प्रजापिता ब्रह्मा द अनलिमिटेड फादर एंड लौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा है। इज प्रजापिता ब्रह्मा द लौकिक फादर? बस दैट्स इट। और कोई नहीं? इजंट देयर एनीवन एल्स? और कोई नहीं? इजंट देयर एनीवन एल्स? स्टूडेंट्स आर सेइंग समथिंग। और कोई नहीं? इजंट देयर एनीवन एल्स? बालकराम को तो याद है। बालकराम अ पीबी के ब्रदर डज रिमेम्बर। और कौन सा बाप है? विच अदर फादर डू यू हैव? स्टूडेंट द वन हु गेव बर्थ टू द बॉडी। देह को पैदा किया तो बताए रहे।
यू आर टॉकिंग अबाउट द वन हु गेव बर्थ टू द बॉडी। तू कब जन्म की बात बताए रे? आर यू टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस बर्थ? ज्ञानी तू आत्मा है, पूर्व जन्म याद है। यू आर अ नॉलेजेबल सोल, यू रिमेम्बर द प्रीवियस बर्थ। सो यू आर सेइंग दैट तुमको तीन बाप है। एट दिस टाइम यू हैव थ्री फादर्स। तीन बाप बताओ। नेम द थ्री फादर्स। द स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग। ब्रह्मा अलौकिक बाप। ब्रह्मा इज द अलौकिक फादर। स्टूडेंट प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा इज अलौकिक। प्रजापिता इलौकिक होता है कि वो अलौकिक होता है? डज प्रजापिता बिलोंग टू दिस वर्ल्ड और इज ही अलौकिक? स्टूडेंट्स आर सेइंग समथिंग। ब्रह्मा है अलौकिक बाप और प्रजापिता लौकिक बाप। ब्रह्मा इज द अलौकिक फादर एंड प्रजापिता इज द लौकिक फादर। और परमात्मा ज्योति बिंदु पारलौकिक बाप। एंड शिव सुप्रीम सोल द पॉइंट ऑफ लाइट इज द पारलौकिक मीनिंग बियॉन्ड द वर्ल्ड फादर। क्या कुछ चार बाप? दिस वन हैज फोर फादर्स। लौकिक अलौकिक परमपिता परमात्मा ना लौकिक पारलौकिक परमपिता परमात्मा। द लौकिक वन एंड द पारलौकिक वन मीनिंग द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा। ये है रियलिटी। दिस इज द रियलिटी। क्या कहा? व्हाट वाज सेड? ये रियलिटी है। दिस इज द रियलिटी। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है? यू नो दैट द इनकॉर्पोरियल फादर हैज एंटर्ड द चैरियट। मनुष्य तन में आए हैं। ही हैज कम इनटू अ ह्यूमन बॉडी। बाप है आत्माओं की बात करते। द फादर सिट्स एंड टॉक्स टू द सोल्स। क्या कहा? व्हाट वाज सेड? दे अभिमानियों से बात नहीं करते। ही डजंट टॉक टू द बॉडी कॉन्शियस वंस। बात किससे करते हैं? टू हुम डज ही टॉक? आत्म की स्थिति में रहने वालों से बात करते हैं। ही टॉक्स टू द वंस हु रिमेन इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। दे अभिमान की स्थिति में रहने वालों से बात। ही डजंट टॉक टू द वंस हु रिमेन इन द बॉडी कॉन्शियस स्टेज। प्रजापिता तो करता होगा। एज फार एज प्रजापिता इज कंसर्न्ड ही वुड बी टॉकिंग टू देम मीनिंग द बॉडी कॉन्शियस वंस वुडंट ही? प्रजापिता तो देहधारी है। प्रजापिता इज इंडीड अ बॉडीली बींग। इसी दुनिया का है। ही बिलोंग्स टू दिस वेरी वर्ल्ड। वो तो करता होगा। ही वुड सर्टेनली बी टॉकिंग टू देम। शिव बाबा बात। शिव बाबा बात यानी सुप्रीम सोल नहीं बात करता। शिव बाबा डजंट टॉक टू देम मीनिंग द सुप्रीम सोल डजंट टॉक टू देम। रूहानी बाप रूहानी बच्चों की बात करते हैं। द स्पिरिचुअल फादर टॉक्स टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रेन। और देहधारी बाप? एंड वॉट अबाउट द बॉडीली फादर? देहधारी बाप देहधारी बच्चों से बात करेगा। द बॉडीली फादर विल टॉक टू द बॉडीली चिल्ड्रेन। अ स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग। एक कब्जा है। इज ही मीनिंग प्रजापिता इन योर कंट्रोल? पूरा है कब्जा। इज ही कम्प्लीटली इन योर कंट्रोल? घर ले जा। देन टेक हिम होम। उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। ही इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल सर्जन। किनको? हु? रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है। द स्पिरिचुअल फादर इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल सर्जन। जो रूहों से बात करते। ही टॉक्स विद स्पिरिट्स। रूह को इंजेक्शन लगाते। ही गिव्स एन इंजेक्शन टू स्पिरिट्स। समझो देह को इंजेक्शन लगाते। अदरवाइज यू मे थिंक दैट ही गिव्स इंजेक्शन टू द बॉडी। रूहानी बाप किसको इंजेक्शन लगाते? हु डज द स्पिरिचुअल फादर गिव एन इंजेक्शन टू? स्टूडेंट्स स्पिरिट्स। रूह को इंजेक्शन लगाते। ही गिव्स एन इंजेक्शन टू द स्पिरिट्स। और जिस्मानी बाप? एंड वॉट अबाउट द बॉडीली फादर? जिस्म को इंजेक्शन लगाते। ही गिव्स एन इंजेक्शन टू द बॉडी। यहाँ बाप की तो बात ही नहीं, यहाँ तो सर्जन की बात है। हियर इट इज नॉट अबाउट द फादर एट ऑल, इट इज अबाउट द सर्जन हियर। जिस्मानी सर्जन और रूहानी सर्जन। द बॉडीली सर्जन एंड द स्पिरिचुअल सर्जन। वो देह को इंजेक्शन लगाते और वो रूह को इंजेक्शन लगाते। द फर्स्ट वन गिव्स एन इंजेक्शन टू द बॉडी एंड द लेटर वन गिव्स